मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है, बहुत उत्तम सेवा की। और सीधे आपको ले चलते हैं इसरो नियंत्रण केंद्र, जहां पर प्रधानमंत्री अपना संबोधन देने जा रहे हैं। सीधे आपको हम वहां पर ले चलते हैं और सीधे दृश्य आप देख रहे हैं। बाय एक्सप्रेसिंग आवर ग्रेटिट्यूड टू ऑल द साइंटिस्ट्स हु वर्क सो हार्ड टू एंश्योर द एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस पोटेंशियल एंड द एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन वेलफेयर। The Prime Minister was here at the ISTRAC Center in the VRs of Saturday as well to witness the final descent of Vikram Lander. Former chairpersons of ISRO, eminent scientists in attendance. And after the power descent of the Vikram lander, ISRO chief Dr. K. Sivan in his message said, Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometers. Subsequently, the communications from lander to ground station was lost and the data is being analyzed. The Honorable Prime Minister will be interacting with the space scientists at the ISRO Center. Who, with their hard work and dedication, have ensured that the boundaries of India's capabilities in space continue to expand. नमन है इसरो के वैज्ञानिकों के परिश्रम को, पुरुषार्थ को और उनकी कर्मठता को। द टीम ऑफ साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स and all stakeholders are continuously exploring to conquer new frontiers in space exploration. As the placard in the background reads, the sky is no longer the limit for our pride. The nation is proud of ISRO's achievements, and to thank them and motivate them, the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has arrived at the ISRO Center. The Honorable Prime Minister always encourages innovation, increase in the society about the scientific temper, also
whatever outcomes India's space program has achieved over the last 5 decades, how to apply that technology for the welfare of humanity. He's being received there by Dr. K. Sivan, Chairman ISRO, and Sri Kuni Krishnan, Dr. K. Kasturi Rangan, Dr. Radha Krishnan, other eminent scientists welcoming the Prime Minister. Baithiye aap log. Sivan ji, why don't you take some? Bharat Mata Ki, Bharat Mata Ki, Bharat Mata Ki. आप वो लोग हैं जो माँ भारती के लिए, उसकी जय के लिए जीते हैं. आप वो लोग हैं जो माँ भारती के जय के लिए जूझते हैं. आप वो लोग हैं जो माँ भारती के लिए जज्बा रखते हैं, और इसलिए माँ भारती का सर ऊंचा हो, इसके लिए पूरा जीवन खपा देते हैं, अपने सपनों को समाहित कर देते हैं. साथियों, मैं कल रात को आपकी मनस्थिति को समझता था. आपकी आंखें बहुत कुछ कहती थी. आपके चेहरे की उदासी मैं पढ़ पाता था, और इसलिए ज्यादा देर मैं आपके बीच नहीं रुका. कई रातों से आप सोए नहीं हैं, फिर भी मेरा मन करता था कि एक बार सुबह फिर से आपको बुलाऊं. आपसे बातें करूं. इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति एक अलग ही अवस्था में था. बहुत से सवाल थे और बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ते हैं, और अचानक सब कुछ नजर आना बंद हो जाए. मैंने भी उस पल को आपके साथ जिया है जब कम्युनिकेशन ऑफ आया और आप सब हिल गए थे. मैं देख रहा था उसे. मन में स्वाभाविक प्रश्न था, क्यों हुआ, कैसे हुआ. और वैज्ञानिक का मन ही तो वही होता है, वो हर बात को क्यों और क्यों से शुरू करता है. बहुत सी उम्मीदें थी.
मैं देख रहा था उसके बाद भी आपको लगता था अरे यार कुछ तो होगा, क्योंकि उसके पीछे आपका परिश्रम था, पल पल आपने बड़ी बारीकी से इसको बढ़ाया था। साथियों, आज भले ही कुछ रुकावटें आई हो, रुकावटें हाथ लगी हो, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि और मजबूत हुआ है। आज हमारे रास्ते में भले ही एक आखिरी कदम पर रुकावट आई हो, लेकिन इससे हम अपनी मंजिल के रास्ते से डिगे नहीं है। आज भले ही हम चंद्रमा की सतह पर हमारी योजना से नहीं जा पाए, और अगर कोई कवि को आज की घटना का लिखना होगा, साहित्यकारों को लिखना होगा, विज्ञान की सोच, विज्ञान की भाषा अलग है, लेकिन कला और साहित्य की किसी को लिखना होगा तो जरूर लिखेगा कि हमने चांद का इतना वर्णन किया, इतना रोमांटिक वर्णन किया है जीवन में, तो चंद्रयान के भी स्वभाव में वो आ गया था। और इसलिए आखिरी कदम पर चंद्रयान चंद्रमा को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा, कभी ऐसा ही कहेंगे। आज चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है, और मजबूत हुआ है, और दृढ़ हुआ है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया, माय साइंटिस्ट फ्रेंड्स, फॉर द लास्ट फ्यू आवर्स द एंटायर नेशन वॉज अवेक। वी वेर अवेक इन सॉलिडरिटी, इन सॉलिडरिटी विथ अवर साइंटिस्ट हु हैड एम्बार्क ऑन वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस मिशन ऑफ अवर स्पेस प्रोग्राम। We came very close, but we will need to cover more ground in the times to come. Every Indian is filled with a spirit of pride as well as confidence. We are proud of our space program and scientists. Their hard work and determination has ensured a better life not only for our citizens but also for other nations. It is the outcome of their innovative zeal that several people have got access to a better quality of life, including better healthcare and education facilities. India is certain that there will be many more opportunities to be proud and rejoice. Thanks. At the same time, we are full of confidence that when it comes to our space program, the best is yet to come.
There are new frontiers to discover and new place to go. We will rise to the occasion and scale. Never hides of success. To our scientists, I want to say, India is with you. You are exceptional professionals who have made an incredible contribution to national progress. You have given your best always and will give us several more opportunities to smile. True to your nature, you ventured into a place where no one had ever done before. आप लोग मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग. You came as close as you could. Stay steady and look ahead. I also salute the families of our space scientists. Their silent but valuable support remains a major asset. Sisters and brothers of India, resilience and tenacity are central to India's ethos. In our glorious history of thousands of years, we have faced moments that may have slowed us, but they have never crushed our spirit. We have bounced back again and gone on to do spectacular things. This is the reason our civilization stands tall. My dear friends, as important as the final result is the journey and the effort. I can proudly say that the efforts was worth it, and so was the journey. Our team worked hard, traveled far, and those teachings will always remain with us. We will look back at the journey and effort with great satisfaction. The learnings from today will make us stronger and better. There will be a new dawn and a brighter tomorrow very soon. साथियों, परिणामों से निराश हुए बिना निरंतर लक्ष्य की तरफ बढ़ने की हमारी परंपरा भी रही है और हमारे संस्कार भी है. हमारा हजारों वर्ष का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है.
जब शुरुआती रुकावटों के बावजूद हमने ऐतिहासिक सिद्धियां हासिल की है, खुद इसरो भी कभी न हार मानने वाली संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। अगर अपनी शुरुआती दिक्कतों और चुनौतियों से हम हार जाते तो आज इसरो दुनिया की अग्रणी स्पेस एजेंसी में से एक का स्थान नहीं ले पाता। साथियों, परिणाम अपनी जगह है, लेकिन मुझे और पूरे देश को अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, आप सभी के प्रयासों पर गर्व है। मैंने आपसे रात में भी कहा था और अभी फिर कह रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। देश भी आपके साथ है। साथियों, हर मुश्किल, हर संघर्ष, हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाकर जाती है, कुछ नए आविष्कार, नई टेक्नोलॉजी के लिए प्रेरित करती है और इसी से हमारी आगे की सफलता तय होती है। वैसे भी मैं मानता हूं, ज्ञान का अगर सबसे बड़ा शिक्षक कोई है तो विज्ञान है। विज्ञान में विफलता होती ही नहीं है, केवल प्रयोग और प्रयास होते हैं। हर प्रयोग, हर प्रयास ज्ञान के नए बीज बोकर जाता है, नई संभावनाओं की नींव रख करके जाता है और हमें अपने असीम सामर्थ्य का एहसास दिलाता है। साथियों, चंद्रयान के सफर का आखिरी पड़ाव भले ही आशा के अनुकूल ना रहा हो, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि चंद्रयान की यात्रा शानदार रही है, जानदार रही है। इस पूरे मिशन के दौरान देश अनेक बार आनंदित हुआ है, गर्व से भरा है। इस वक्त भी हमारा ऑर्बिटर पूरी शान से चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। मैं खुद भी इस मिशन के दौरान, चाहे देश में रहा या विदेश में, हर बार चंद्रयान की स्थिति से जुड़ी सूचना लेता रहता था। साथियों, भारत दुनिया के अहम स्पेस पावर में से एक है तो उसके पीछे आप सभी का, दशकों से जिन साथियों ने इसरो में काम किया है, उनका परिश्रम है, उनका योगदान है। ये आप ही लोग हैं जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर भारत का झंडा फहराया था। इससे पहले दुनिया में ऐसी उपलब्धि किसी के नाम नहीं थी। हमारे चंद्रयान ने ही दुनिया को चांद पर पानी होने जैसी अहम जानकारियां दी। ये भी आपके ही प्रयास थे कि हमने 100 से ज्यादा सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके
एक नया रिकॉर्ड बनाया था। जब इसरो के पास सक्सेस की एनसाइक्लोपीडिया हो तो रुकावट के एक दो लम्हों से आपकी उड़ान आउट ऑफ ट्रेजेक्टरी नहीं हो सकती। साथियों, हमारे संस्कार, हमारा चिंतन, हमारी सोच इस बात से भरी पड़ी है जो हमें कहते हैं और जिसमें हम विश्वास कहते हैं, वयम अमृतस्य पुत्रः, वयम अमृतस्य पुत्रः, हम अमृत की संतान हैं, जिसके साथ अमरत्व जुड़ा हुआ होता है। अमृत की संतान के लिए न कोई रुकावट है और न ही कोई निराशा। हमें पीछे मुड़कर निराशा नहीं होना है, हमें सबक लेना है, सीखना है, आगे ही बढ़ते जाना है और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं है। हम निश्चित रूप से सफल होंगे, हम मिशन के अगले प्रयास में भी और उसके बाद के हर प्रयास में भी कामयाबी हमारे साथ होगी। 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से हमें कोई भी क्षणिक बाधा रोक नहीं सकती। आप सभी को आने वाले हर मिशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने पहले कहा वैसे ही, विज्ञान परिणामों से कभी संतुष्ट नहीं होता है। विज्ञान की इनहेरेंट क्वालिटी है प्रयास, प्रयास और प्रयास। वो परिणाम में से भी नए प्रयास के अवसर ढूंढता है, वो परिणाम से रुकता नहीं है, नहीं वो परिणाम के सामने झुकता है। और ये आपके संस्कारों में है और इसीलिए तो देश आपके प्रति गर्व करता है। मेरा आप पर भी विश्वास है, मुझसे भी आपके सपने और ऊंचे हैं, मुझसे भी आपके संकल्प और गहरे हैं, मुझसे भी आपका प्रयास सिद्धियों को चूमने का सामर्थ्य रखता है। और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ आपके हौसलों पर भरोसा करके, दरअसल मैं आपको उपदेश देने नहीं आया, मैंने सुबह सुबह आपके दर्शन, आपसे प्रेरणा पाने के लिए किए। आप अपने आप में प्रेरणा का समंदर है, प्रेरणा का जीता जागता सबूत है। और इसलिए इस प्रेरणा की पल है मेरे लिए, जहां निराशा को वैज्ञानिक मन आशा में परिवर्तित कर देता है, जहां सपनों को वैज्ञानिक मन सिद्धि में अंकुरित कर देता है। और इसलिए ऐसी सामर्थ्यवान, ऊर्जावान, संकल्पवान, सिद्धि के लिए समर्पित इन साथियों की टोली को
अनेक अनेक बधाई भी देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। As we can see, Honorable Prime Minister greeting and meeting scientists, engineers, technicians, everyone associated with the project Chandrayaan 2. This must be a very motivating moment for everyone present at the ISRO Center, Bengaluru. The Honorable Prime Minister showing solidarity with the scientists, encouraging them to continue to build the momentum of the progress that India has made in the exploration of space and the application of space technologies for humanity. देश आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। माननीय प्रधानमंत्री के इन शब्दों को सुनकर यकीनन प्रत्येक व्यक्ति का मनोबल बढ़ा होगा।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विज्ञान की इनहेरेंट क्वालिटी होती है कि निरंतर प्रयास करते रहना, और ज्ञान का सबसे बड़ा शिक्षक विज्ञान ही है। Our determination to touch moon has now become even stronger. Prime Minister proudly said that the effort was worth it and so was the journey. India stands with you with pride and gratitude. These are visuals from ISTREC. Where Prime Minister has just addressed the nation and now interacting with the scientists, shaking hands with them, exchanging smiles. Everyone reciprocating with great positivity. Prime Minister is a source of courage and inspiration to the space scientist fraternity. These are the members of team who are always diligently glued to their computer systems, managing all the complex data, comprehending them, helping make progress in space explorations. सभी का मनोबल बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम निश्चित रूप से सफल होंगे। आने वाले मिशन्स के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं भी दी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन को गले लगाते हुए, पीठ थपथपाते हुए, हौसला बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। An array of emotions on display, but the moist eyes of Chairman ISRO have the encouragement and solidarity of Prime Minister Modi. And as the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi departs from ISRO Center Bengaluru, we extend our best wishes to ISRO for future endeavors,
May the learnings from today make us stronger and better. Jai Hind. आप देख रहे थे बेंगलुरु के इसरो नियंत्रण केंद्र से सीधा प्रसारण, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया और वहां पर मौजूद जो सभी वैज्ञानिक थे उनसे मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की और उन्हें आगे आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उनके साथ